नमस्कार, डी फोकस देखने वाले तमाम बोकारो जिले के दर्शकों को हिमांशु का नमस्कार। आप देख ले, इस कड़कड़ाती धूप में हम इस समय बेरमो विधानसभा के करगली बाजार में हैं, जहां पर तमाम दुकानदार अपने दुकानों में हैं और धूप बहुत होने के चलते ग्राहक तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार हर दुकान में मौजूद हैं और हम भी इस कड़कड़ाती धूप में अपना पसीना बहाने के लिए इसलिए बेरमो विधानसभा में आए हैं, क्योंकि अक्सर खास बात में नेता कहते हैं कि हम राजनीति बेरमो विधानसभा से करने जा रहे हैं और जनता से राय मांगेंगे, जनता से पूछेंगे इस बार कि जनता क्या सहमति हमें देती है कि हम इस बार विधानसभा लड़े। तो जनता से नेताजी पूछेंगे बाद में, पहले डी फोकस जनता की राय आपको बता देना चाहती है कि इस बार बेरमो विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जनता की क्या राय है। हमारे साथ बहुत सारे दुकानदार हैं जो अपने दुकानों में हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, एक अभिभावक हमारे साथ हैं। सुना है कि राजनीतिक गलियारों में तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आपके पैर को छूने आया करते हैं, तो क्या आपके पैर में कौन सा वो नुस्खा है कि जो पैर छू के जाया करता है, ये तमाम बाजार के लोग उन्हें वोट कर दिया करते हैं? देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो एक ब्राह्मण के नाते भी लोग आते हैं और चुनाव में आशीर्वाद लेने के लिए तो सब कोई किसी के न किसी के यहाँ आते ही जाते रहते हैं। और इस बार उपचुनाव में जिसे अभी जो चुनाव हुआ था, इसमें जो आशा और अभिलाषा के साथ जो लोग अपना मतदान किए थे राजेंद्र बाबू के प्रति, और वो आशा हम लोग को एक दुर्घटना दुर्भाग्य समझिए कि पूरा नहीं हो सका, और उसी आशा को लेकर के जयमंगल सिंह अनु बाबू, जो हम लोग अनु बाबू के नाम से उनको कहते हैं, वो इस चुनाव में आएंगे और उन हम लोग की जो अभिलाषा थी और राजेंद्र बाबू की जो इच्छा थी बेरमो को देने का, वो काम अनु बाबू करेंगे। आपने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते लोग मेरे पैर भी कभी कभी छूने आया करते हैं, तो सुना है इन गलियारों में एक ब्राह्मण उम्मीदवार भी आने वाला है, तो फिर उम्मीदवार जब ब्राह्मण आ जाएगा तो कैसे? नहीं, तो ब्राह्मण भी आ जाएंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मण का भी पैर छूता है, हमसे जो बड़े रहेंगे तो हमारा नहीं छुएंगे, हम उनका छुएंगे। एक बार आपको पता होगा हिमांशु जी, मैं आपसे फिर जरूर बात करूंगा, थोड़ा सा जानना चाहता हूं, आप यहां के पार्षद हैं, लेकिन जब हम लोगों के लोग गलियों कूचों में जा रहे हैं तो पार्षद लोग का बड़ा रोना है कि नगर परिषद का तो गठन हो गया लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो कितना काम हो रहा है? जी, अभी तो काम हो रहा है, अभी काम होना शुरू हुआ है, अभी टेंडर पास हुआ है, रोड का नाली का काम अभी हो रहा है, लाइट का भी टेंडर हुआ है, बस अभी 9 तारीख को उसका है टेंडर, खुलेगा 9 तारीख को, तो वो भी है। मतलब अपने काम से आप संतुष्ट हैं? अभी का संतुष्ट है, इससे पहले 2.5 साल हम लोगों ने बहुत मशक्कत किया है, तो ये आज काम अपने जगह पे आया है। अब उपचुनाव होने जा रहा है तो किधर रुझान होगा, किस पार्टी की ओर लोग जाएंगे? जिस तरह से कुमार जयमंगल सिंह का मेहनत है तो उस पर जाहिर सी बात है कि रंग लाना चाहिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। पार्षद साहब कह रहे हैं कि खूब काम जम के हो रहा है, तो संतुष्ट है पार्षद? जी 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 सर, अभी शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। जी हो रहा है, काम हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनके कामों से बड़ा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ और लोगों से बात कराते हैं, कितना काम हो रहा है इन क्षेत्रों में, काम से कितना संतुष्ट है? जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, और हम क्या बताएं। अच्छा देखिए, एक दुकानदार महोदय हैं, बड़ा आराम काट रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहा है, हरकत तेज हो गई है, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग फिर से आपके दरवाजे पे आएंगे, क्या लगता है किसे आशीर्वाद मिलेगा इस बार? अनुभव को देखिए, हमें लगता है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, तमाम लोग कांग्रेस को बारे में कह रहे हैं, तमाम लोग खुले मन से बोल रहे हैं, ऐसा होता कम है कि किसी गली में आप घुस जाएं और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो लगातार एक ही बात सब लोगों से जिनसे हम लोग पूछ रहे हैं, सब कह रहे हैं मंगल मंगल, इस बार आएंगे जय मंगल, लेकिन जानते हैं कौन से। क्या लग रहा है उपचुनाव होने जा रहा है, किन्हें आशीर्वाद मिलेगा? तो जय मंगल सिंह तो ठीक है। सुना आपने, एक भी दुकानदार ऐसे नहीं है जो हमें लगता है कि तमाम लोग, लगता है इस जगह पर रहने वाले तमाम लोग किस पार्टी को इस बार चयन करेंगे उपचुनाव में? ठीक है, मतलब अनुभव भी ठीक है,
ठीके है। भाजपा काम कहले बा इतना, भाजपा भी ठीक है, अनूप सिंह भी यहाँ बहुत, उनके राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बहुत दिन ले रहे हुए हैं, इसलिए उनका सुपुर्द एक बार उनको चाह देना चाहिए जनता को। अच्छा, पिता ने बहुत काम किया है इसलिए पुत्र को आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार हैं हमारे साथ, देखे कुछ दुकानदार हैं उनसे जानते हैं। इस बार उपचुनाव बेरमो में होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी? ये तो बताना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि जब से आप यहाँ पर मौजूद हैं तब से कौन सी पार्टी ने सबसे अच्छा काम किया? विधानसभा में तो शुरू से विधायक जी हमारे माननीय श्री राजेंद्र बाबू सबसे अच्छे तो वही हैं, अब तो दूसरा कार्यकाल किनका आता है। लेकिन जो दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि 60 सालों तक इन लोगों ने राज किया, काम कुछ नहीं किया, केवल अपना। हम लोगों के लिए राजेंद्र बाबू यहाँ के लिए बहुत अच्छे थे। देखिए, बहुत लोग अपनी बातों को रखने से झिझकते हैं, वो केवल और केवल उसी दिन जाना पसंद करते हैं जिस दिन ईवीएम में उनका वोट देना रहता है, उस दिन वो जाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करते हैं। हमारे साथ कुछ सज्जन और हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है उपचुनाव होने जा रहा है, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी? देखिए, झारखंड पार्टी का है, झारखंड यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया, वो झारखंड करेगा जो करेगा। चुनाव होने जा रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा आपको? भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, उससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। क्या क्या, क्या काम हुआ उनके दौर? उसके समय में बहुत काम हुआ, रोड का काम बहुत हुआ था, अभी सारा काम ठप पड़ गया है, जहाँ तक रुका हुआ है। फिलहाल अभी काम चुनाव आ गया तो काम अभी जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार की कहानियां चल रही है, किसको सबसे अच्छा उम्मीदवार मानते हैं और कौन उम्मीदवार बनकर आए आप चाहते हैं? वो समय आएगा तो देखा जाएगा उसमें। नहीं, नेता कहते हैं कि जनता से राय मांगे, आप जनता है, आप राय बताओ। तो जैसे कि बीजेपी वाला उसको उम्मीदवार को दिया ही नहीं है तो वे कैसे कहें? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अच्छी काम कर रही है? जी, करती तो अच्छी काम, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन चलाया, अच्छा काम होते आया है। क्या क्या काम हुआ? ये सबसे पहले देखे रोड बना भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बने तब, इससे बढ़िया तो रोड कितना अगल बगल में सब बना, टूट गया सब, लेकिन ये रोड अभी भी चल रहा अच्छा से। तो सुना आपने, इन सड़कों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाया था, अभी तक चल रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, ये बाजार है, अभी दोपहर का समय है, लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार हर दुकान में जरूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। चाचा, इस बार उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कांग्रेस या भाजपा? अभी तो हमको इसका अनुभव नहीं है सर। तो आप इतने दिनों से यहाँ रहते हैं, किस पार्टी का सबसे अच्छा कार्यकाल आपको लगा? दोनों पार्टी कार्यकाल ठीक है। तो इस बार क्या मन बना है? अभी तो चुनाव घोषणा नहीं होते, मन कौन सी बनाए, उम्मीदवार खड़ा होगा उसके बाद मन बनाए। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं, अपना पता नहीं खोलना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं। एक युवा व्यवसायी हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। इस बार उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी ने सबसे अच्छा बेरमो में काम किया है? कांग्रेस पार्टी ने, उम्मीदवार तो पार्टी तय करेगी ना, हम लोग तो जिस भी पार्टी को उम्मीदवार बनाएंगे उसको अपना वोट देंगे। आपसे पहले पसंद कौन? ये मंगल सिंह। उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी ने सबसे अच्छा काम किया है? कौन सा पार्टी, अब तो ये सब देखिए रहे सामने में, अब क्या बताएं।